মোদি 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 তাই তো মোদি হ্যাঁ তো মুমকিন হ্যাঁ আচ্ছা গোলি মারো সালুকো তা হচ্ছে না আচ্ছা অন্য কিছু ট্রাই করে দেখতে পারো অন্য কিছু ট্রাই করি বা হরার মোদি বলে বলে দেখতো হরার মোদি গড়ার মোদি হরার মোদি গড়ার মোদি মোদির নাম নিলামে বাদ তো চালু হয়ে যাওয়া উচিত তাই তো হিন্দুরাষ্ট্র জিন্দাবাদ হ্যাঁ ঠিক আছে ভেরি গুড এই তো এবার হবে এবার হবে তো তা হচ্ছে না হিন্দুরাষ্ট্র নাম নিলাম এবার তো চালু হিন্দুরাষ্ট্র নাম হচ্ছে না না পাকিস্তান বলে বলে তো পাকিস্তান মুর্দাবাদ পাকিস্তান বাংলাদেশ চীন সবাই মুর্দাবাদ কি রে आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को महिला मोर्चा देश भर में इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। अरे ये कुल्हाड़ी दीवार पर क्यों सजा रखी है? अब हमें इसका क्या काम, हमें कहाँ लकड़ी काटने जाना है। ये गैस जो मिली है मेरे नाम पर, मैंने तो इसका नाम ही बदल कर उज्ज्वला रख दिया है। अरे इसके जन्मदिन पे हमको गैस जो मिला है, अब न धुआं न खांसी। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़े। उज्ज्वला योजना के दौरान जिन गरीब लोगों को गैस के सिलेंडर दिए गए, उन लोगों पर सिलेंडर के महंगे होने का क्या असर पड़ा? आलोक पांडे ने ऐसे ग्रामीण परिवारों से मुलाकात की। लखनऊ देहात की इस गैस एजेंसी पर सिलेंडर भरवाने के लिए कम ही लोग आ रहे हैं। इसकी 15 किलोमीटर की हद में 40 गांव आते हैं और तकरीबन 6,500 ग्राहक हैं। इनमें से आधे लोगों को मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है, जो गरीब लोगों के लिए है। पिछले 6 महीनों में गैस सिलेंडर के दाम 170 रुपए तक बढ़ गए हैं। इस दौरान सिलेंडर भरवाने वालों की संख्या में कमी आई है। इस एजेंसी पर अप्रैल 2020 में 4,059 मेट्रिक टन गैस बेची गई। इस समय कोविड की वजह से मुफ्त सिलेंडर बांटे जा रहे थे। जुलाई 2020 में 3,209 मेट्रिक टन गैस बेची गई। जनवरी 2021 में ये घटकर 2,679 मेट्रिक टन ही रहे। दाम जब नॉर्मल ही रहेंगे, औसत में रहेंगे, तभी हमारा लोगों का भी फायदा है, एजेंसी का तभी फायदा। जब रिफिल ज्यादा होगी तो एजेंसी का फायदा होगा, तो कस्टमर को भी आसानी रहेगी गैस लेने में। कुछ किलोमीटर दूर मुन्नूपुरवा गांव में सुमन पिछले 8 महीनों से सिलेंडर नहीं भरवा पाई है। उनके घर में रोज 4 लोगों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जाता है। खेती से उनके परिवार की कमाई तकरीबन 6,000 रुपए महीना है। उनको 2 साल पहले उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला था। सरकार तो कहती है कि आपकी सुविधा के लिए दिया है सिलेंडर। इतनी महंगी है तो कहाँ हम भरा पीबे, 500-600 के 800 का है तो कहाँ भरा पीबे हम। जैसे 500 का तो भले ही भरा ली, अब कोशिश तो करे थे लेकिन भरा नहीं पे। गर्मी आ गई तो अब ये बताओ कि इतना इतना महंगा कहाँ से खरीदेंगे। हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, कभी काम आवे कभी ना आए, इसमें कहाँ से गुजारा करेंगे हम, कितना गुजारा करेंगे, अपने पेट पालेंगे। सिलेंडर सिलेंडरों में खरीद के लगाए इनको, सब्सिडी चलाई ना, सब्सिडी भी बंद होगी अब तो। सब्सिडी भी पहले तो बैंक में भी जाते थे हम, इतना झूठ ना बोले कि ना जावे, अब तो वे भी नहीं जा रहे 4-5 महीने से। पिछले साल सितंबर में लोकसभा में पेश किए गए इस डेटा से बल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उज्ज्वला योजना में शामिल लोगों ने 2019-20 के दौरान औसतन 3 सिलेंडर इस्तेमाल किए, यानी 4 महीने में 1 सिलेंडर। इस डेटा के सामने आने के बाद सिलेंडर की कीमत 170 रुपए बढ़ चुकी है। इस बात में शायद कोई भी शक नहीं है कि गैस सिलेंडर जो एक जमाने में लाइन लगा के जिनको हमें लेना पड़ता था, अब वो हर जगह पहुंच गए हैं, खासकर हमारे गांव देहात में। लेकिन शायद सरकार के सामने एक चुनौती ये ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिफिल्स जो होते हैं सिलेंडर के, वो पहुंच पाए। अब वो शायद तभी होगा जब ये सिलेंडर रिफिल्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। কি বলে থাকে
मोदी हटा देश बचा।